हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ विजयलक्ष्मी फ्रॉम मास्टर शेफ इंडिया सीजन 2 की टॉप 5 फाइनलिस्ट एंड वेलकम टू माय शो। और जैसे कि आप सबको पता ही चल गया है थंबनेल से, आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट निहारी। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल एंड इजी रेसिपी। वैसे निहारी बनाने में बहुत टाइम लगता है, बट ये रेसिपी मैं सिंपल और घर के ही इंग्रेडिएंट से आपको सिखाने जा रही हूँ, ताकि आप घर में इजीली बना सके। तो चलिए प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ जिंजर पेस्ट। आप 1 किलो मटन में 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर पेस्ट ऐड करा है। और अब आप इसमें लहसुन जो है चॉप लहसुन भी ले सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून। इसमें मैंने कुकर जो है ले रखा है। नॉर्मली निहारी बनाने में बहुत टाइम लगता है, हैवी पॉट में ही बनाना चाहिए, लेकिन उसको कुक कम से कम 5-6 घंटा स्लो प्रोसेस में किया जाता है। और यहाँ मैं झटपट इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभार हम बहुत बिजी होते हैं, या टाइम नहीं होता, या गेस्ट आ जाते हैं। सुबह आपको अगर निहारी की डिमांड हो जाए तो तब आप क्या करेंगे। तो सुबह जब अगर झटपट आपको निहारी बनानी है तो ये रेसिपी आप फॉलो अप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ, क्योंकि कलर भी बहुत ज़रूरी होता है निहारी में, आई अपील बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैं ये धनिया पाउडर ले रही हूँ 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून। और फिर इसके बाद मैं इसमें सौंठ पाउडर डालूंगी, जो कि जिंजर पाउडर है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और फिर फिर इसमें जीरा पाउडर भी जाएगा, और ज़्यादा खड़े मसाले सब नहीं जाएंगे, आपका गरम मसाला का 1 चम्मच जाएगा। तो इन सभी को आपको ऐड करना है, और साथ में लास्ट में आपको इसमें निहारी मसाला ऐड करना है। लेकिन अगर आपके पास निहारी मसाला नहीं है तो आप कोई भी कोरमा मसाला, या आप जो भी आपके पास चिकन या मटन मसाला है वो आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन में मुझे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के कभी कभार इशू हो गए थे, तो मैंने फिर सिंपल वे में भी बनाने की कोशिश करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। और मेरे घर में गेस्ट कभी कभार अचानक ही आ जाते हैं, तो मुझे झटपट फिर प्री प्लान में होती नहीं हूँ, तो मैं झटपट बना देती हूँ। अब ये मेरे पास कायनात का कोरमा मसाला रखा हुआ था, मैंने कहा अभी मेरे पास निहारी मसाला तो है नहीं, तो ठीक है मैं ये कोरमा मसाला ऐड करती हूँ। तो ये भी 1-2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है, 2 से 3 टेबलस्पून है, आप उस हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा मसाला चाहिए कम मसाला चाहिए, इट्स टोटली अप टू योर टेस्ट। तो मैं थोड़ा स्पाइसी बनाने जा रही हूँ, और इसका स्ट्यू जो है थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, वरना मटन का जो एक महक होता है वो नहीं आना चाहिए, फैट का महक जो होता है वो मुझे पसंद नहीं है, बाकी कई लोग को पसंद होता है वो अलग बात है। फिर मैं लास्ट में इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और आप चाहें तो ये रात में भी आप इसको ना मिक्स करके मसाला मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं, और दूसरे दिन आपको बस इसको पकाना है। तो क्या होता है, रात में आपका मसाला जो है अच्छे से नॉनवेज में मिक्स होके उसमें एक अच्छा और टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसमें कम से कम 1/2 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप घी भी ऐड कर सकते हैं, कई लोग सरसों का तेल ऐड करते हैं। और निहारी फ्रेंड्स, निहारी बहुत रिच भी बनाते हैं कई लोग, तो उनका क्या रहता है कि वो मटन जो है वो ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसमें फैट हो, और उसमें वो मटन का फैट भी डालते हैं, ताकि जो मटन में जो फैट या रोगन है वो अच्छे से उभर के बाहर आए। और वो ज़्यादातर आता है मटन के ही फैट से, नहीं तो घी से, और नहीं तो सरसों के ऑयल से भी बनाते हैं। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, क्योंकि और मैं कम ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि अब ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो लाइफ में बहुत कम हो गई है, तो हम डाइट में भी थोड़ा हमने चेंजेस करा है। तो अगर आप चाहें तो आप और ऑयल ऐड कर सकते हैं, और मस्टर्ड ऑयल ऐड कर सकते हैं, या घी ऐड कर सकते हैं, ये आपका टेस्ट है।
इसमें ये इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और मैं अब इसको गैस में चढ़ा दूंगी। गैस में चढ़ाने के बाद पहले मैंने गैस ऑन कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा हिला रही हूँ मैं ताकि ये ज़्यादा स्टिक ना हो कुकर में मटन। उसके बाद मैं इसको ढक के कम से कम 5 से 6 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि कुकर जो है जो मटन का जो अपना एक महक है पुराना वो ना आए, राइट। तो अब ये इसके बाद मैं इसको दोबारा मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद बस इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। देखिए इसके अंदर का जो मटन का पानी होता है वो सूख गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें कम से कम 2 से 3 कप पानी ऐड कर दूंगी। अब पानी भी ऐड करने में डिपेंड है, कई लोग का जो कुकर है वो उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप अगर मटन बना रहे हैं अपने कुकर में तो आपको पता होगा ये 2 विसल में बन जाता है या 4 विसल में बनता है या 6 विसल में बनता है। तो मुझे मटन को पकाना है लेकिन 10% जो है अनकुक छोड़ना है क्योंकि उसके बाद भी और पकाना है। तो मेरे जो कुकर है उसमें कम से कम इसमें 5 विसल की ज़रूरत है, मैं 5 विसल दूंगी और आप वो आप अपने कुकर के हिसाब से देख सकते हैं। एक तो मीट की क्वांटिटी के ऊपर भी होता है, राइट। अगर आपके पास आपने 1 पाव मीट लिया है तो 5 सीटी बजाने की ज़रूरत नहीं है, आपका 1 या 2 में काम हो जाएगा, राइट। तो अब इसको पानी मैंने ऐड कर दिया, ये भी आपके अकॉर्डिंग है, बस मीट से ऊपर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, राइट। क्योंकि मीट अपना भी पानी खुद का उसका रिलीज होता है तो वो और जूसी वैसी ही हो जाता है, राइट। तो अब मैं गैस को तेज कर देती हूँ थोड़ा और इसको मैं छोड़ दूंगी कम से कम 5 से 6 विसल के लिए, और उसके बाद मैं 10 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि एयर रिलीज हो जाए। अब देखिए ये एकदम बन चुका है, बस 10 या 15% मटन जो है और पकना है तो उसको हम और पकाएंगे। अब देख सकते हैं आप, इसको मैं पोक करके भी देखूंगी कि कितना पका है ताकि उस हिसाब से मैं इसको और पकाऊं। तो अब इसको आपको सीटी नहीं लगाना है, अब आप इसको ओपन ही पकाएंगे, कम से कम और 15-20 मिनट इसको लगेगा पकने में। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं 1 कप पानी में 2 चम्मच मैंने आटा लिया है और उसको घोल दिया अच्छे से, उसमें लम्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से घोल देना है। और अब ये जाएगा निहारी में, इसी की वजह से निहारी की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक होगी, उसके बाद ही ये परफेक्ट निहारी बनेगी। अभी मैं इसमें ये हमारा आटे का घोल है उसको ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो 1 चम्मच ले सकते हैं, मैंने यहाँ 2 चम्मच लिया है आटा, आप चाहें तो 3 चम्मच भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितना गाढ़ा निहारी चाहते हैं, है ना। मैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहती, मैं मीडियम थिक पसंद है मुझे, तो मैंने 2 चम्मच लिया है। तो आप इसको अभी अच्छे से मिक्स करके फिर आप गैस ऑन कर दीजिए, और गैस ऑन करने के बाद आप इसको कम से कम और 15 से 20 मिनट आप पकाएंगे, और इसको बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि जो हमने आटा इसमें ऐड करा है उसका जो स्मेल है चला जाए और आटा पक जाए। आटा पकने के बाद ये जो इसमें जो थिकनेस है वो और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें हमने प्याज नहीं ऐड करा, हमने टमाटर नहीं ऐड करा, हमने सिंपल इसमें मसाले ऐड करे और जो कि घर में ही अवेलेबल होता है सब चीज़ें, वही सब चीज़ें ऐड करा है, और इसको आपने अच्छे से पका लेना है कम से कम 15 से 20 मिनट। अब ये 15 से 20 मिनट पक गया है, अब मैं इसमें तड़का दूंगी। मैं यहाँ ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल, आप घी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, और मैं इसमें 1/2 कप ऑयल में मैंने लिया है चॉप जिंजर 2 टेबलस्पून, और आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड है, लेकिन निहारी में जिंजर का फ्लेवर नहीं आए तो निहारी में मज़ा नहीं आता। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और मैं इसको थोड़ा सा ही यू नो सौते होने दूंगी,
और फिर इसमें हम इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। देखो आप, ये एकदम ब्राउन नहीं हुआ है, लाइट गोल्डन कलर आते ही, आने से पहले ही आपको गैस ऑफ कर देना है। उसके बाद इसमें एक टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करा है, आप चाहें तो इसमें आधा टेबल स्पून तीखी लाल मिर्च भी साथ में ऐड कर सकते हैं अगर आपको और तीखा चाहिए तो, बट मेरे हिसाब से इतना तीखापन काफी है। और ये आपकी बन गई है बढ़िया सी निहारी, देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और सुबह के बाद वक्त आप इसको खमीरी रोटी के साथ खाएं, मैंने डोसा बनाया था तो हम डोसा के साथ भी खाते हैं। और निहारी दोस्तों सुबह के नाश्ते में खाया जाता है आपके पूरे दिन की एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। और अब मैं सर्व कर रही हूँ जूलियन जिंजर और आपके ये अचारी मिर्च के साथ, आप तीखी मिर्च के साथ ना सर्व करें, इसका मज़ा इस अचारी मिर्च के साथ ही है, और खमीरी रोटी के साथ या डोसा के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपने इंजॉय करा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ, राइट। तो तब तक ले थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय योर लाइफ।